हेलो, हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, सभी की मनोकामना राधे कृष्ण जी पूरी करें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं छठी की वीडियो। ये मेरी पुरानी क्लिप है, तो मैं इसी आपके सामने सिर्फ स्नान और छठी के दिन क्या क्या करना चाहिए वो सब बताने के लिए आई हूँ। तो ये देखिए, छठी वाले दिन आपको ऐसे पंचामृत से स्नान कराना है। सबसे पहले तो आपको घी, तेल, किसी भी तेल से मालिश करनी है। बेबी ऑयल से कृष्ण जी की, जैसे हम छोटे बच्चे की मालिश करते हैं, ऐसे कृष्ण जी की मालिश करनी है आपको। और फिर पंचामृत से स्नान कराना है अच्छे से, धीरे धीरे, हल्के हल्के हाथों से घी, दूध, दही और गंगा जल, इनसे स्नान कराना है आपको। और फिर चंदन की मालिश करनी है, जिससे कि हमारे कान्हा जी का जो रूप है और ज़्यादा निखर जाए। होता तो बहुत ही निखरा हुआ रूप है इनका, मनमोहक रूप है, लेकिन चंदन की मालिश करने के बाद तो आप देखिएगा, आपकी तो नज़र ही नहीं हटेगी कृष्ण जी के मुख से। देखिए, ऐसे आपको स्नान कराना है और फिर शुद्ध जल से स्नान कराना है आपको कृष्ण जी को। और उसके बाद आपको किसी भी सॉफ्ट कपड़े या टावल से कृष्ण जी को पूरा अच्छे से पोंछ लीजिए। और फिर पाउडर, बेबी पाउडर, जॉनसन बेबी पाउडर होता है जो कृष्ण जी का पाउडर आता है, उसको धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से उनको लगाइए। और फिर इत्र लगाइए उनके कपड़ों में। और हो सके तो आप, जहाँ तक कि मेरे हिसाब से, आपको पीले वस्त्र ही पहनाने चाहिए छठी के दिन कृष्ण जी को। ये तो मेरी पुरानी क्लिप है, इसीलिए मैं आपको उस दिन भी क्लिप दिखाऊंगी जो मैं छठी वाले दिन आपके सामने वीडियो शेयर करूंगी। छठी वाले दिन का, पूरा दिन का मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊँगी। ये मेरी पुरानी क्लिप है, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि छठी वाले दिन आपको क्या क्या करना है। कृष्ण जी को पीले वस्त्र पहनाइए, अच्छे अच्छे आभूषण पहनाइए। और मेरे पास राधा जी भी हैं, तो राधा जी का भी मैं स्नान कराऊँगी उस दिन। बहुत अच्छे से, प्यार से कृष्ण जी को अच्छे से तैयार कीजिए, नजरिए पहनाइए, और गले में चांद पत्री, जैसे हम बच्चे को पहनाते हैं वैसे पहनाइए। और गंगा जल भी डालिए उनके स्नान के पानी में। और घर को अच्छे से सजाइए, और घर के अंदर आप झूला लगाइए कृष्ण जी को। स्नान कराने के बाद, अच्छे से तैयार करने के बाद, उनको झूले में बिठाइए। झूला कृष्ण जी को बहुत प्रिय है, मोर पंख भी बहुत प्रिय है। झूला झूलने से, जैसे हम बच्चे को झूले पालने में डालते हैं, वैसे झूला भी झुलाइए कृष्ण जी को। और बंसरी तो भगवान जी की प्रिय है, उनको तो बंसरी और मोर पंख को तो कभी अलग करना ही नहीं चाहिए। सोते टाइम भी कृष्ण जी के पास में बंसरी और मोर पंख रखा हुआ होना चाहिए। कृष्ण जी को अच्छे से इत्र लगाइए। और हम 56 भोग का भोग लगाते हैं छठी वाले दिन कृष्ण जी को, लेकिन अगर कोई 56 भोग का भोग ना लगा सके तो कृष्ण जी को कढ़ी और चावल और मिठाई का भोग लगाइए। और उनको तगड़ी जरूर पहनाइए, जैसे हम छोटे बच्चे को तगड़ी पहनाते हैं, नजरिए पहनाते हैं। कृष्ण जी को अपने बच्चे की तरह रखना चाहिए, जैसे हम अपने बच्चे की छठी मनाते हैं, मंगल गीत गाते हैं, मन में उत्साह होता है, वैसे ही जिस दिन छठी होती है कृष्ण जी की, उस दिन आप अपने मन में एक उत्साह, उल्लास, और सारा दिन भजन चलाइए अपने घर में कृष्ण जी के। ये देखिए, हमारे कृष्ण जी कितने छोटे, नन्हे, प्यारे से हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, क्यूट से। और हम हर कोई भी त्यौहार होता है तो हम हर त्यौहार पे कृष्ण जी का श्रृंगार करते हैं। ये देखिए, कृष्ण जी और राधा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और कृष्ण जी और राधा जी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जो भी आपकी मनोकामना हो, कृष्ण जी से एक बार आंखें बंद करके मांगिए तो आपकी जरूर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। कृष्ण जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बोलो राधे राधे, राधे राधे। आप सारा दिन उस दिन राधे राधे, राधे कृष्ण का नाम लीजिए
और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। उस दिन कृष्ण जी का जब मालिश करते हैं, स्नान कराने से पहले उनको दूध में डुबकी भी जरूर लगवाइए, क्योंकि वो छठी का दूध होता है तो उसी को ही बोलते हैं छठी का दूध, तो वो ज़रूर आप करवाइएगा। जब हम छठी मनाएंगे, हम उस दिन भी आपके सामने वीडियो लेके आएंगे। राधे राधे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। राधे और कृष्ण जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि सन 2022 में छठी कब है। छठी 24 अगस्त को मनाई जा रही है। बस बोलो राधे कृष्ण की जय।